आज से 30 डेज के लिए मैं एक चैलेंज लेने वाली हूँ सुबह 5 बजे उठने का। अब मैं ये चैलेंज क्यों ले रही हूँ, क्योंकि देखो यार, सभी के मम्मी पापा ने लाइफ में एक ना एक बार तो आपको बोला ही होगा, सुबह उठ जाया कर, लाइफ चेंज हो जाएगी तेरी, बहुत मतलब तेरा प्रोडक्टिव दिन जाएगा, एनर्जेटिक दिन जाएगा, एक बार ट्राई तो कर। तो मैंने सोचा यार, जब इतना बोलते हैं तब कुछ ना कुछ तो होगा ही इसका बेस, तो क्यों ना ट्राई करके देखा जाए। तो इसीलिए मैं ये चैलेंज ले रही हूँ, एंड ऑल्सो मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि होता क्या है सुबह उठ के। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह मतलब बहुत देर तक सोती हूँ और ऐसा, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 6:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, बट फिर भी मुझे ये चैलेंज लेना है। मैं बस ये चेक करना चाहती हूँ कि क्या मैं कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार 30 दिन तक उठ सकती हूँ 5 बजे, और सुबह 5 बजे उठने के बाद क्या चेंजेस आते हैं मेरी लाइफ के अंदर, एंड ऑल्सो क्या सुबह 30 दिन तक 5 बजे उठने के बाद आगे मेरे लिए आसान हो जाएगा उठना सुबह 5 बजे, या फिर उतना ही मुश्किल रहेगा जितना अभी है। ये भी मेरे को चेक करना है। वैसे लॉजिकली देखा जाए तो आसान हो जाना चाहिए, क्योंकि हैबिट फॉर्मेशन के लिए जैसे हर एक किताब बोलती है कि 21 डेज का मिनिमम टाइम पीरियड होता है जिसमें एक हैबिट फॉर्म होती है, तो मैं ये चीज़ तो 30 दिन के लिए कर रही हूँ, तो लॉजिकली तो आसान हो जाना चाहिए मेरे लिए सुबह उठना, बट अब वो कितना प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है तो करने पे ही पता चलेगा। आई एम एक्साइटेड फॉर द चैलेंज, करते हैं चैलेंज, बताते हैं, शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में। बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग, उठ चुकी हूँ मैं। अब बहुत ही ज़्यादा था यार मुश्किल उठना आज, बट उठ गई हूँ मैं। आज मेरे चैलेंज का पहला दिन था, आप देख ही सकते हो मुझे कितनी परेशानी हुई आज उठने में। आज से ये तो पता चल चुका है कि अगर मुझे सुबह रोज सुबह 5 बजे उठना है तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा। एक्चुअली कल रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे 5 AM चैलेंज करना है, और इसी महीने करना है, सितंबर की आज पहली तारीख है, 1 सितंबर है, कल 30 अगस्त थी, मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि ये चैलेंज मुझे करना है। आज सुबह उठी मैं, बट एक प्रॉब्लम हो गई, रात को मैं सोने में ही मैंने देर कर दी थी, तो सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं उठ तो गई, बट आज एक सबक मिल चुका है कि अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो फिर रात को जल्दी सोना पड़ेगा। फर्स्ट डे कंप्लीटेड। सेकेंड डे कंप्लीटेड। चैलेंज इज गोइंग प्रिटी गुड। सेकेंड डे कंप्लीटेड। थर्ड डे कंप्लीटेड। हर सुबह दो चॉइसेस होती है आपके पास, या तो आप उठ जाओ या फिर आप सोते रह जाओ। तो केस वन, जब आप उठ जाते हो तो सुबह सुबह आपको एक विक्ट्री की फीलिंग आती है, वाह यार मैंने बोला था, मैंने करके दिखा दिया, आपने खुद को चैलेंज किया था, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। बट अगर आप कुछ समय के सुख के लिए सो जाते हो, तब आपको बहुत गहरा रिग्रेट होता है, जो आज मुझे हो रहा है। मैंने सुबह अलार्म बजने पे मैंने उसको स्नोज पे डाला, सो गई वापस, अभी उठ रही हूँ मैं 6 बजे। बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, मैंने सोचा यार ठीक है, और पता है वो जो 15 मिनट था जिसमें मैं 15 मिनट का स्नोज लगाया था, उसमें मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मुझे पता था कि मैंने चैलेंज लिया है, मुझे उठना चाहिए, बट थोड़ी सी नींद के चक्कर में अब ये पूरे दिन का रिग्रेट मैंने अपने साथ में ले लिया है। यार पता है, होता है ना, दो मन होते हैं, एक बोलता है उठ जा, दूसरा बोलता है मत उठ, रुक जा, सो जा। तो वही यार, आज दूसरे मन की बात सुन ली मैंने, देखते ठीक है, चलो रिग्रेट सही। फोर्थ डे नॉट कंप्लीटेड, अ ग्रेट रिग्रेट। पता है आज भी मेरे दो मन हो रहे थे, एक बोल रहा था सो जा, क्या वेदर है, मस्त बारिश हुई है, ठंडा ठंडा, दूसरा मन बोल रहा था उठ जा, नहीं अगर तू थोड़ी देर के लिए सोएगी 5 मिनट के लिए तेरे को पूरे दिन का रिग्रेट मिलेगा। मैंने डिसाइड किया उठने का। यार पता है, जो जिस मन की बात आप मानते हो वो मन आपका स्ट्रांग होता जाता है, इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इस बार पहले मन की बात में नहीं आना है, फंसना नहीं है, उठ जाना है।
उठ गए हैं और यस बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ अब लग रहा है कि हाँ अच्छा हुआ नहीं माना मैंने बात। चलो अब सबसे फेवरेट काम करते हैं अपना क्रॉस मार्क लगाना। तो यार आज मैं 4:30 बजे उठ गई थी और क्या बोलते हैं मतलब दिन ब दिन मेरे लिए आसान होते जा रहा है उठना सुबह। और पता है सबसे ज़्यादा विक्ट्री की फीलिंग कब आती है, जब आप उठो और सब कोई सोया हुआ है तो लगता है कि भाई मेरे पास इनसे ज़्यादा टाइम है। आज उठती उठती हूँ करके 5:30 हो रहे हैं, आधा घंटा लेट हो गया। बट इट इज़ नॉट ईजी यार, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सुबह उठना हलवा नहीं है 5:30 ही सही, आधा घंटा लेट है पता है, बट उठ गई इज द मेन पॉइंट। एक बात बताओ यार, उठने में जितना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है उतना यहाँ पे क्रॉस मार्क लगाने में होता है। मेरा फेवरेट काम है ये। सो आज है 30 तारीख, बट मैं ये चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी कुछ दिनों के लिए, उसके बाद में भी कंटिन्यू नहीं हो पाया। और एक्चुअली मैंने इस चैलेंज में काफ़ी सारी चीटिंग्स भी की है, लाइक 4, 17 एंड 20 को मैं नहीं उठ पाई थी तो इसीलिए उसको क्रॉस एंड रॉन्ग किया। सो यार इस बार ये चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि कुछ हेल्थ रीज़न थे। एंड जब आप स्टार्टिंग में ही एक ब्रेक ले लेते हो, जैसे कि मैंने 4th दिन पे ही मेरा ये चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाया था, मैं 6 बजे उठी थी, 5 बजे उठना था, मैं 6 बजे उठी थी, तो 4th दिन पे ही मेरा एक ब्रेक आ गया। सो उसके वजह से ये सारा जो खेल है वो पूरी तरीके से ख़राब हुआ है। मैं चाहती तो कंसिस्टेंट रह सकती थी उसके बाद भी, बट पता नहीं क्यों कंसिस्टेंसी टूट गई। तो फिर इस बार तो ये चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली, बट अगली बार जब मैं ये चैलेंज लूँगी तब मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि इस चैलेंज को कंप्लीट करूँ। यार कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि आप विद प्रैक्टिस डेवलप करते हो। आपको खुद के साथ में स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है कि नहीं जब मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, वैसे ही आपकी कंसिस्टेंसी डेवलप होती है। सो नेक्स्ट टाइम चैलेंज को कंप्लीट करेंगे, इस बार नहीं हो पाया ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस आल्सो। सो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस चैलेंज को एक बार करके देखें, क्या आप कंसिस्टेंट हो पाते हैं या इस चैलेंज में या नहीं। एंड मेरे को खुद के अंदर में काफ़ी सारे चेंजेस महसूस हुए इस चैलेंज को करने के बाद, वो मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी जब मैं ये चैलेंज पूरी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ में कंप्लीट कर लूँगी विदाउट एनी ब्रेक, तब मैं आपके साथ में उसके बेनिफिट्स को भी शेयर करूंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।